नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 31 लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। 31st लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 30 लेक्चर इस सब्जेक्ट का, या इस बुक का हम कहें, इस बुक का मैंने 30 लेक्चर पढ़ा दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर इंस्टेंट हार्टिकल्चर नाम की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट से अगर आप चाहें तो 1 से लेकर 30 तक जो अब मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर, वो सब देख सकते हैं। देखने से आपको बहुत लाभ होगा, ये मेरा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कीवी फ्रूट के बारे में। ठीक, ये एक माइनर सी क्रॉप होती है, बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब उस जो एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, उस एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, चलिए शुरू करते हैं। देखो, कीवी फ्रूट देखने में ऐसा होता है, ठीक, इसका जो स्किन होती है, वास्तव में तो इसकी स्किन होती है हरी हरी, लेकिन इसके ऊपर जो बार्क होता है इसका, ये बार्क होता है ब्राउन कलर का। ठीक, ऐसे लगता है कि जैसे लकड़ी का बुरादा इसके ऊपर चिपका दिया गया है। देखने में इसी टाइप से लगता है, ब्राउन ब्राउन कलर का। इसके अंदर जो खाने वाला पार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, हरे हरे कलर का, हल्का हल्का दिखता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, क्या है, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। फैमिली इसकी है एक्टिनिडिएसी, बोटेनिकल नेम एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, फैमिली है एक्टिनिडिएसी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो इसका ओरिजिन है चाइना। ठीक, तो ये तो हो गई कुछ कीवी फ्रूट के बारे में बेसिक जानकारियाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या बोल रहा है इसके बारे में और भी क्या बात कर रहा है। नेटिव टू साउदर्न चाइना, जैसे अभी मैंने बताया कि इसका जो ओरिजिन प्लेस है कीवी फ्रूट का, ये मेनली चाइना है। लेकिन अगर कोई पूछे चाइना में कहाँ है, साउदर्न चाइना। इसी तरीके से लीची का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, चाइना है। अगर वास्तव में बिल्कुल और अंदर भी पूछे कि चाइना में कहाँ से है, तो चाइना में फिर अगर पूछ रहा है तो यानी कि साउदर्न चाइना तब बोलना पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से एक बार शायद 2018 की बात है, AFO में पूछा गया था लीची का ओरिजिन प्लेस, तो अधिकतर बच्चे याद करके जाते हैं चाइना, लेकिन वहाँ आया था नॉर्दर्न चाइना, सेंट्रल चाइना, साउदर्न चाइना, ईस्टर्न चाइना। तो आपका जो राइट आंसर था वहाँ पर वो साउथ चाइना था, लेकिन वो साउदर्न चाइना। तो अधिकतर लड़के कन्फ्यूज हो गए कि अब चाइना में कौन सा चाइना लगाएं, राइट आंसर वहाँ साउदर्न चाइना था। इसी तरीके से इसका भी कीवी फ्रूट का जो नेटिव प्लेस है वो साउदर्न चाइना है, चाइना में साउथर्न जो पार्ट है वहाँ पर इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो इसको कीवी फ्रूट को सबसे ज़्यादा पैमाने पर प्रोड्यूस करता है, उन कंट्रियों में इटली और न्यूजीलैंड का नाम सबसे पहले आता है। इटली एंड न्यूजीलैंड आर दोज कंट्रीज हुज प्रोड्यूस कीवी फ्रूट इन ए वेरी लार्ज स्केल। ठीक, अब देखो, नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, जैसा मैंने बताया कि इसका प्रोडक्शन न्यूजीलैंड में खूब ढेर सारा होता है, तो इसको नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड भी माना जाता है। ठीक, कीवी फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, समझ गए बात। अब देखो, हाईवर्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेराइटी है कीवी फ्रूट की, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि हेवर्ड मोस्ट पॉपुलर कल्टीवर ऑफ द वर्ल्ड, ये कीवी फ्रूट का सबसे पॉपुलर कल्टीवर है जिसका नाम है हेवर्ड। ठीक, इट इज ए डेलिशियस डेसीडुअस वाइन, इसके जो वाइन होती है ये डेसीडुअस होती है। डेसीडुअस का मीन समझ रहे हो, पतझड़ी पौधे, अंगूर की तरह ये भी डेसीडुअस नेचर का होता है, यानी कि ये साल भर में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देता है। इसके पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं रहती है, पत्तियों को एक साथ गिरा देगा फिर एक ही साथ नई पत्तियां आएंगी। ठीक, जैसे पीपल के पेड़ में होता है, समझ गए। या अधिकतर जितने भी टेम्परेट क्रॉप होती है, टेम्परेट रीजन की जो भी फ्रूट होते हैं, टेम्परेट रीजन वाले फ्रूट, ठंडे क्षेत्र वाले फ्रूट, वो सब अधिकतर डेसीडुअस नेचर के होते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये जो कीवी फ्रूट है ये भी डेसीडुअस नेचर का ही होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, इट वॉज फर्स्ट प्लांटेड इन द लालबाग गार्डन बेंगलोर,
इसको, क्योंकि आपको पता है कि इसका ओरिजिन प्लेस चाइना है, तो चाइना से इंडिया में ऐसे तो आया नहीं होगा, कोई लेके आया होगा, लेके आया होगा तो कहीं पहले लगाया गया हो उसकी, इसकी कहीं प्लांटिंग पहले हुई होगी। तो इसकी सबसे पहले जो प्लांटिंग हुई थी वो लाल बाग गार्डन बेंगलोर में हुई थी, फिर वहाँ से ये धीरे 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 करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये फैलता चला गया। टी बार आर परगोला इज अडेप्टेड फॉर प्लांटिंग, इसकी प्लांटिंग के लिए, कीवी फ्रूट की प्लांटिंग के लिए, देखो हम सब पहले बता देते हैं, कीवी फ्रूट का ट्री नहीं होता, इसका जो प्लांट होता है ये वाइन नेचर का होता है, समझ गए। इसमें शाखाएं नहीं निकलती, इसमें लताएं निकलती, जैसे अंगूर में निकलती हैं वाइन्स, इसी तरीके से इसमें भी वाइन्स निकलती हैं। तो अंगूर को भी जैसे टी बार या टेलीफोन सिस्टम, हेज सिस्टम, परगोला सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम से जैसे उसको ट्रेन करते थे ग्रेप के वाइन को, उसी तरीके से कीवी फ्रूट के वाइन को भी हम ट्रेंड करते हैं। तो इसके जो वाइन होती है इसको ट्रेंड करने का टी बार या परगोला सिस्टम होता है। परगोला सिस्टम देखने में इस जो फिगर में दिख रहा है ये परगोला सिस्टम के तहत कीवी फ्रूट को ट्रेन किया गया। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित दूरी पर क्या करते हैं कि चार, जैसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे यहाँ लाइन से ऐसे ऐसे एंगल गाड़ देते हैं, ठीक, एंगल हमने ज़मीन पर गाड़ दिया, अभी एंगल के ऐसे ऊंचाई कर दी, उसके बाद क्या किया, इस एंगल को ऐसे मिला के और इसी एंगल पे फिर हमने क्या बना दिया, जाल बना दिया, ऐसे जाल का एक छत बना दिया इसी टाइप का। ये ध्यान से देखो, ये जो छत दिख रहा है ये पूरा यहाँ तक देखो, ये सब ऐसे ऐसे, ये देखो ये शाखा गई है, ये शाखा, ये सब जो दिख रहा है ये छत है, इसी टाइप से इसको छत बना दिया जाता है। अब ये जो छत बन के तैयार हुई है इसी छत पर इस वाइन को लटका दिया जाता है, तो इसी वाले सिस्टम को टी बार या परगोला सिस्टम कहते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे एंगल लगे हैं और ये बीच बीच में ये एंगल ऐसे खड़े कर दिए गए हैं, इसी के बल पर यहाँ पर ये बिल्कुल छत जैसा ऊपर बिल्कुल ढक लेता है ज़मीन को। इससे बड़े फायदे भी होते हैं। पहला फायदा कि नीचे जो वीड का ग्रोथ है, खरपतवार नहीं उग पाते हैं, नीचे रोशनी नहीं आती है, इसी वजह से इवापोरेशन पानी का लॉस कम होता है। अगर पानी का लॉस कम होगा तो हमें इरिगेशन कम करना पड़ेगा। उसके बाद जब इस पे धूप नहीं आती है बराबर, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। इसकी जो पत्तियां गिरती हैं उनको सड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, ऊपर पत्तियां बराबर मात्रा में फैली रहती हैं, इसलिए इन पत्तियों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्रॉपर सनलाइट भी मिल जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू ट्रेंड कीवी फ्रूट, समझिए, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। इसी मेथड के थ्रू जो बिटल वाइन होता है, यानी कि जो पान के पत्ते होते हैं, इनको भी इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, इसी तरीके से उसको भी लगाया जाता है, इसी तरीके से कीवी फ्रूट को लगाया जाता है जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, और इसी तरीके से ग्रेप फ्रूट को लगाते हैं, ग्रेप को, ठीक, ग्रेप को लगाते हैं, अंगूर को, समझ गए। इट इज़ आल्सो नोन एज चाइनीज़ गूसबेरी, इसको चाइनीज़ गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं, कीवी फ्रूट इज आल्सो नोन एज चाइनीज़ गूसबेरी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, इसकी वेराइटियाँ कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी एक वेराइटी है अबोट, कौन सी वेराइटी है, अबोट, एक है एलिसन, ये मेल वेराइटी है, ठीक, ये कैसी है, एलिसन ये मेल वेराइटी है। फिर अगला क्या है, ब्रूनो, मोन्थी, टुमोरी, हेवर्ड, ये हेवर्ड जो वैरायटी है यही एक मेन वैरायटी है जो कीवी फ्रूट की पूछी जाती है, उसके बाद और कोई वैरायटी पूछी उछी नहीं जाती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, हेवर्ड वैरायटी, इसको याद किए रहना, बाकी चाहे और सब भूल ही जाओ। उसके बाद स्केल्टन, ये भी एक ठीक ठाक वैरायटी है, यही दो वैरायटियाँ जो है वो मेन होती हैं, एक हेवर्ड और स्केल्टन। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो कीवी फ्रूट होता है ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, समझ गए। इसी तरीके से फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है, तो आपका है बारबाडोस चेरी में, बारबाडोस चेरी इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, बारबाडोस चेरी, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, स्किन इज गुड सोर्स ऑफ फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, इसकी स्किन पर,
जो कीवी फ्रूट होती है, कीवी फ्रूट की स्किन पर एक फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करता है, समझ गए, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, यानी कि गैस वैस की अगर प्रॉब्लम है तो ये बड़ा फायदा करता है। लेकिन करते क्या है, लोग ये कीवी फ्रूट को खाते हैं तो इसका छिलका उतार देते हैं, इसी वजह से वो पेट में जाता नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बाहर ही रह जाती है, समझ गए बात। फिर देखते हैं मेजर इसकी डिजीज, कीवी फ्रूट में जो लगने वाली एक सबसे मेजर डिजीज है वो क्राउन गॉल डिजीज है। क्राउन गॉल डिजीज का सिम्टम ये होता है कि इसके जो रूट होते हैं, कीवी फ्रूट की जो रूट होती हैं, इनके रूट पर क्या बन जाता है, गाल बन जाता है, ऐसे ऐसे मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं, ठीक, ये गांठें बनती हैं, इसी गांठ को गाल बोलते हैं, क्राउन गाल बन जाते हैं। ये एक प्रकार का प्रॉब्लम होती है, निमेटोड की वजह से होता है, ठीक, निमेटोड की वजह से होता है ये बीमारी, समझ गए बात। आगे बढ़ें, अब देखो आज के लिए केवल इतना ही, कीवी फ्रूट में केवल इतना ही था, एक छोटी सी क्रॉप थी, 10-15 मिनट में आपने पूरी क्रॉप को कवर कर लिया, इसके बाद कीवी फ्रूट से कुछ फर्दर पूछा नहीं जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।